सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तो आज एक खास ओकेजन है जिसके लिए व्लॉग शुरू किया है। क्या ओकेजन है गाइस? बुर्रा प्रोजेक्ट। अरे यार, आज हम जा रहे हैं बुर्रा प्रोजेक्ट में। आज हम जा रहे हैं कॉन्सर्ट में। यस, बुर्रा प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। तो वहाँ पे तीन आर्टिस्ट आ रहे हैं। मेन तो भाई आयुष्मान खुराना है। जा रहे साडी गली आजा सानू चोना। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस मेट्रो इन्हें बंद कर रही है। बंद नहीं होगी, चलेगी नहीं तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे अगले भाई। बातें कर रहे हैं इन लोगों की तो बातें ही खत्म नहीं हो रही है। और फिर लोग बोलते हैं कि विमेन की बातें खत्म नहीं होती है। मेन कब जल्दी हो रही है। हाँ जा बोल कर दम है तो बोल दे। बैंड्स मिल गए हैं। अंदर एंट्री ले चुके हैं। आर्य भाई जो है वो लेट हो गए थे इसलिए हम अंदर आ गए। अनस भाई भी आ चुके हैं गाइस। हाय कर दो अनस भाई। हाय हाय हाय। तो चलो चलते हैं। आपको गाइस अपन दोनों का व्लॉग देखना है। चलो भाई अंदर चलते हैं। बारी बरसी खटन गया सी खटले आंदे खोए। बारी बरसी खटन गया सी खटले आंदे खोए। मोए मोए ट्रेंड बना रहे हैं। गाना गाने आए हैं अपने। कम ऑन गाइस। बारी बरसी खटन गया सी खटले आंदे चिल्ली भंगड़ा ता सजदा जे नचे सारी दिल्ली। शामिल किया है इबादत में थोड़ी उदासी भी माफी हो।
मेरी परवरिश चंडीगढ़ में हुई है। गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली आता था बचपन में, करोल बाग में। मेरे कजिन भी यहाँ पे हैं आज। बचपन की बात करते हैं। मेरे घर की छत के ऊपर एक छोटी छत है, मेरे घर की छत के ऊपर एक छोटी छत है, वहां का रास्ता कच्ची सीढ़ी से होकर जाता है। जैसे बचपन में हम चढ़ तो आसानी से जाते थे उस कच्ची सीढ़ी को, पर उतरने में डर लगता था। करेक्ट, ये इश्क भी वैसा ही है। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बुलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। बहुत दिनों बाद तुम्हारी अलमारी खोली और मिला तुम्हारी खुशबू से, जिसे मैं जानता हूँ पहचानता हूँ तुमसे भी बेहतर, और वो खुशबू रह जाती है पीछे तुम्हारे जाने के बाद भी। इस दफा एक छोटे बक्से में उस खुशबू को बंद करके ले जाऊंगा अपने साथ, और रोज मिलूंगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा, रोज मिलूंगा। चार दिन दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी बन जाना ढेरी। तो पता
गाइस पीजी वापस आ गए थे और भाई क्या तो मजा आया कॉन्सर्ट में। आयुष्मान खुराना भाई पहले ही प्यार था, बकेट लिस्ट में था, लेकिन भाई अब तो और भी ज्यादा प्यार हो गया है। कैसा लगा भाई? बहुत ही मस्त। और दीक्षा जी, दीदी जी, कैसा लगा दीदी जी? मस्त। सिर्फ इतना वाला मस्त? थक गई हो ना अभी इतना भाई, थक गए अब लोग भाई। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया भाई। नहना दा क्या कर सकते। तो अभी का क्या सीन है भाई, हम लोग वापस तो आ गए थे, हमारा टिफिन नहीं आ रहा है आजकल, तो अभी हम खाना बना रहे हैं। अजवाइन वाले पराठे और आलू जीरा की सब्जी। चलिए आपको दिखाते हैं क्या बन रहा है भाई। ये बन रही है आलू जीरा की सब्जी जो कि पक रही है, तो इसे पकने देते हैं ताकि हम खा सकें। और इधर ये पराठा बन रहा है जिसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, आटा गीला है क्योंकि आटा मुझसे गीला हो गया गूंदने में, तो वो थोड़ा शेप अजीब। इसकी जिद के बाद हम दूसरी बार फोकस करते हुए कि हाँ पराठा गोल बन रहा है हमारा। हटो यार तुम लोग हटो। गाइस अभी व्लॉग शूट कर रहे थे तो दीक्षा आके कहती यार व्लॉग में मैं बैठी हुई थी, लोगों को लगेगा कि आप रिनरर पे था तो खाना बनाते रहते हैं, दीक्षा बस बैठे रहते। भाई ये भी एक सच्ची है, अब सत्य कभी ना कभी तो बाहर आता ही है। वैसे गाइस ये भी बना रही है, गाइस व्लॉग के लिए बना रही है। आलू इसने छिला है, व्लॉग के लिए ही बना रही है। मैंने छिले आलू, छीले इसने, काटे तूने। ब्लॉग में गाली सुननी है इसको हिंदी नहीं आती है भाई, इसको हिंदी नहीं आती है। सो गाइस कल खाना बनाने के बाद तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। खाना तो भाई बहुत बढ़िया बना था, क्यों भाई दीक्षा कैसा बना था? बहुत मस्त भाई, स्वाद आ गए थे भाई खा के, स्वाद आ गए थे कसम से। और जो तो नींद आई है उसके बाद। तो अभी हो चुके हैं नेक्स्ट डे, और अभी का क्या सीन है भाई, आर्य भाई की ट्रेन थी लेकिन उनकी ट्रेन हो चुकी है लेट, तो उन्हें हमने बुला लिया है पीजी में। क्या हाल है आर्य? बहुत पोल्यूशन हो रहा है गाइस, आप बच के रहो, आप लोग भी बहुत पोल्यूशन। ये गाइस ड्रामे कर रहा है, नहीं पोल्यूशन के बारे में नहीं, वैसे पोल्यूशन तो है, क्या ही कर सकते हैं जो गाइस। तो अभी गाइस 3 भी नहीं बजे तो अभी भाई पे 2-2.5 घंटे हैं, तो यहाँ थोड़ा मौज कर लेंगे। बस इतना ही आते हैं। मेरे को